बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धामी की जय, सब सुंदर साथी की जय। प्राणाधार आत्म संबंधी सभी सुंदर साजी के चरणों में शत शत नमन। सुंदर साहब जी, श्री राज शर्मा जी की मेहर से हमने कल से प्रयास शुरू किया था कि विराट पट को कुछ जाने, है ना। थोड़ा सा हमें विराट पट के बारे में मालूम हो तो कल हमने शुरू किया था, और आज धनी की मेहर देखो कि पूरा विराट जो अपने वृत्तांत मुक्तावली है बीतक उसमें मिला, तो सच में ये लगा कि कल जो वर्णन हुआ है उसको एक बार परमाणु के सहित करते हैं। और कल जैसे पहला दिन था तो काफी कुछ समझ भी नहीं आया, तो उस चीज को वापस से रिपीट करते हुए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि अपन ने कल भी देखा था कि स्वाप्निक संसार की उत्पत्ति के पूर्वक इस संसार में हमने देखा था सत्य असत्य जड़ चेतन कुछ भी नहीं था। स्वर्ग नरक कहें, विष अमृत कहें, अच्छा बुरा कहें, ना दिन था ना रात थी, न जन्म न मृत्यु, न धर्म न अधर्म, न साकार न निराकार। जड़ प्रकृति कुछ नहीं थी। उस समय क्या था? केवल और केवल परम अति परम सत्य, अखंड मंडलाकार, अक्षर और अक्षरातीत हमारा परम धाम, जिनको शास्त्रों में ब्रह्म लोक भी कह देते हैं, ब्रह्म धाम भी कह देते हैं, है ना। तो ये सब वर्णन अपने को मिलता है शास्त्रों में, गीता में, भागवत कुरान में, और ये ऋग्वेद की एक साक्षी यहाँ सामने है भी सही कि सृष्टि के पूर्व में न सत था न असत था, न परमाणु थे न पूरम न परम सूक्ष्म आकाश था। मतलब ये उस समय की हम बात लेवे कि जिस समय कुछ नहीं था, जड़ चेतन पंचभूत, है ना, कुछ भी नहीं था। तो उन समय सिर्फ पूरन अति पूरन जो अपना परम धाम है वो था। वृद्धारण्यक से भी एक साक्षी है कि उसका जो स्वयं पूर्ण अति पूर्ण है, जिनका धाम पूरन है। तो ऐसे हमारे शिवराज जी, हमारे स्वलीला अद्वैत परम धाम पूर्ण अति पूर्ण, कितना प्यारा वर्णन इसमें वृद्धारण्यक में आया इस शास्त्र में, कि जो स्वयं पूर्ण अति पूर्ण है, जिनका धाम पूरण है, जो पूरण होने से उत्कृष्ट सर्वोपरि पूर्ण है, जो कुटस्थ अक्षर ब्रह्म से भी पूर्ण विशेष निर्बाधित निरातिशय अनंत असीम परिपूर्ण है, ब्रह्मानंद रस के महासागर है, वहां कितने भी रस का उपयोग किया जाए तब भी उसमें न्यूनता नहीं आती, पूर्णाति पूर्ण रहता है। और ये चीज हमने अच्छे से महसूस की है ना। परम धाम की लीलाओं का वर्णन भी आता है कि फल चाहिए तो फल हमने ले लिए, और फल वही का वही पूर्णाति पूर्ण। और अभी हमारी रिसेंटली जो रसोई की लीला चली, रसोई की हवेली की, तो उसमें किस तरह से वर्णन आया कि बड़े बड़े बासन भोजन से लबालब भरे हैं, और जिस पल सखी का मन हुआ कि मुझे उस बासन में से वो मेवा मिठाई लेना है, वो बासन जमीन पर आके आपके लिए हाजिर है। और आपने उसमें से कितने ही बासन भर लिए, वो लबालब किनार का ज्यों का त्यों है। तो वहां पे कभी भी न्यूनता नहीं, पूर्णाति पूर्ण है। ऐसे सर्वगुण संपन्न सच्चिदानंद पूर्णानंद अद्वैत पार ब्रह्म हमारे हक शिवराज जी, हमारे धाम धनी, उनके मन स्वरूप कुटस्थ अक्षर ब्रह्म, उनकी आनंद अंग श्यामा महारानी और 12,000 सखियों की सेवा कुछ नहीं था। अब शिवराज जी ने मिहिर का दरिया दिल में लिया कि मैं अक्षर ब्रह्म को भी अपनी पूर्ण पहचान दूं और सखियों को भी पूर्ण पहचान दूं। अपनी ब्रह्मांगनाओं को अक्षर ब्रह्म का मायावी खेल दिखाने के वास्ते और अक्षर ब्रह्म को अपने गुज ब्रह्म आनंद का अनुभव कराने के वास्ते हक शिवराज जी ने दिल में इच्छा ली, तब इस जगत की रचना अक्षर ब्रह्म ने पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के हुक्म से की। वैसे तो हम देखें कि उनके सत अंग अक्षर ब्रह्म की ये स्वाभाविक क्रिया है कि वो खेल बनाते और बिगाड़ते हैं। उनके
एक पल में कहते हैं करोड़ों ब्रह्मांड बनाते हैं, लय करते हैं। उन ब्रह्मांडों की उत्पत्ति, पालन और उसका लय वो संपूर्ण क्रिया करते हैं। लेकिन अब की से जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है, ये उत्पत्ति हुई है पर शिवराज जी के हुक्म से, पुरंदर परमात्मा के हुक्म से। और ये उत्पत्ति हुई अक्षर ब्रह्म के मन यानी अव्याकृत, उनका जो मन स्वरूप है अव्याकृत ब्रह्म से विश्व की उत्पत्ति हुई। और इस मायावी जगत का जो अधीश्वर है, जो स्वामी है, वो है शर्वपुरुष ना। ये चपाई अपन लेते हैं खिलवत ग्रंथ से, जो पहले लई हक के दिल में, पीछे आई माहेनोर, तिन पीछे हादी रोहन में, ए जो हुआ जहोर। सुंदर सा जी, आज स्पीड ठीक है? कल सबकी थी कि बहुत जल्दी कर रही हूँ? तो शिवराज जी ने सर्वप्रथम जो इच्छा अपने हृदय में धारण की, वही इच्छा पुनः अक्षर ब्रह्म के हृदय में आई, तत्पश्चात श्यामा जी और ब्रह्मात्माओं के हृदय में वह उत्पन्न हुई। इस प्रकार से ये नश्वर खेल अस्तित्व में आया। अब शिवराज जी ने इस वर्तमान जगत की रचना करने की इच्छा अक्षर ब्रह्म कुठस्थ के दिल में उत्पन्न करा दी। अब खेल उपजे के कहूं कारण, प्रकाश हिंदुस्तानी प्रकरण 37 चौपाई 6। अब खेल उपजे के कहूं कारण, ये दो इच्छा वही उत्पन्न, बिना कारण कारज नहीं होए, सो कहूं या के कारण धोए। ये जो ब्रह्मांड है, इसकी उत्पत्ति अक्षर ब्रह्म के मन से स्वपनवत हुई है, तो इसलिए ये जो ब्रह्मांड है, ये जो विश्व अपने को संसार दिखाई दे रहा है, भवसागर दिखाई दे रहा है, ये भी मायावी है और स्वप्नवत है। और उसी माया के अधीश्वर को, स्वप्न के शरीर वाले को शर पुरुष कहते हैं। अब हमने कल भी देखा था कि शास्त्रों में तीन तरह के पुरुष का वर्णन आया, शर, अक्षर, रक्षादेव। शर जैसे कि नाम से स्पष्ट है, जिसका शर हो जाए, नाश होने वाला, स्वपन समान। और शर ब्रह्मांड से परे तेजोमयी अविनाशी अक्षर ब्रह्म है, और उनसे भी परे सच्चिदानंद स्वरूप हमारे अक्षरातीत, जिन्हें हम धामधनी के नाम से, हक शिवराज जी, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा, सच्चिदानंद, धामधनी, गीता में पार पुरुष, उत्तम पुरुष, कई नामों से हम पिया को जानते हैं। अब हमें राज्य को जानना है ना? अपना मूल उद्देश्य तो राज्य को पाना ही है। सर्वमान को क्यों जानना है कि अपने को राज्य को पाना है? या हमारी किसी से बात होती है तो अपना मैसेज अगर देना है तो हमें सर्वमान का या देहत का थोड़ा सा मालूम होना चाहिए। तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को जानना है तो ये आवश्यक हो जाता है कि हम माया माया से उत्पन्न इस जगत को समझे, क्योंकि तो ये जगत भी विशेष है, धनी के हुक्म से उत्पन्न हुआ, उसके कर्ता धर्ता को जाने। तो आइए शिवराज जी की मेहर से सबसे पहले शर पुरुष को जानने का प्रयास करते हैं। हमने ये कल भी देखा था कि अक्षर ब्रह्म के मन, अक्षर ब्रह्म की चतुष्पाद विभूति बताई गई, सस्रु ब्रह्म, केवल ब्रह्म, सबलिक ब्रह्म और अव्याकृत ब्रह्म। अव्याकृत ब्रह्म उनके मन का स्वरूप हुआ। तो अव्याकृत के मन अव्याकृत के अक्षर ब्रह्म के मन अव्याकृत के स्वपन में मोह सागर में नारायण का स्वरूप प्रकट होता है। नारायण को हम आदि नारायण भी आदि पुरुष भी कहते हैं, आदि नारायण भी कहते हैं, विराट पुरुष भी कहते हैं, शर पुरुष भी कहते हैं, प्रणव ओम भी कहते हैं। तो कई नामों से इनको जानते हैं, प्रथम पुरुष भी कहते हैं, शब्द ब्रह्म भी कहते हैं। इन्हीं से वेद प्रकट होते हैं, और जितने भी जीव अपने को दिखाई दे रहे हैं, मनुष्य, पशु पक्षी, कीट पतंगे, इवन पेड़ पौधे, उन सब में भी जो जीव है वो इन्हीं की चेतना का प्रतिभास है। संपूर्ण जीव समुदाय पंचभूतात्मक जगत, पंचभूत कहे जाते हैं ना, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश, अष्टा प्रकृति, उसमें पंचभूत आ गए, और मन, बुद्धि, अहंकार, आदि नारायण, महाशून्य, सभी शर पुरुष के अंतर आते हैं। प्रकाश हिंदुस्तानी से ही प्यारी सी चपई है, इत अक्षर को विलस्यो मन,
तत् चौदे भवन। यामे महाविष्णु मन मंथे त्रैगुण ताते तिरछस सब उत्पन्न। तो इस तरह से इसको एक लाइन में बोले, मैंने आज कहीं पढ़ा, ये जो ब्रह्मांड का खेल है ये स्वपन के भी स्वपन का खेल। देखो अव्याकृत का स्वपन ये आदि नारायण, आदि नारायण का स्वपन शेषय नारायण, और ये जो विराट का विस्तार है उस शेषय नारायण से है। तो वो पढ़ के अच्छा लगा कि ये ब्रह्मांड स्वपन के भी स्वपन का ब्रह्मांड है। ये जिस ब्रह्मांड में हम है अव्याकृत का स्वपन और उसके भी आदि नारायण का भी स्वपन यानी शेषय नारायण का विस्तार है। तो अक्षर ब्रह्म का संकल्प ही मूल प्रकृति हुई। अब जो मूल अक्षर ब्रह्म है खेल बनाने का संकल्प लेते हैं तो वो संकल्प ही मूल प्रकृति है, जो उनके अहम के स्वरूप सस रूप में प्रकट होती है। केवल यानी केवल ब्रह्म यानी बुद्धि से होती हुई उनके चित्त स्वरूप सबली के द्वारा कार्यान्वित होती है। सबली का स्थूल कहे या अव्याकृत का महाकारण, दोनों एक ही बात है, में स्थित सुमंगला शक्ति के द्वारा मोह तत्व उत्पन्न हुआ। मोह में महाविष्णु, मोह तत्व से अहंकार, अहंकार से तीन गुण। तो इस तरह से तीन गुणों से विराट के स्थूल का प्रगटीकरण हुआ। तो ये सुंदर चार्ट भी मुझे मिल गए हैं कि त्रिगुण तीन गुण हुए, अभी वर्णन आया ना कि तीन गुणों से विराट के स्थूल का प्रगटीकरण हो। इन तीन गुणों से अपन देखते हैं कि सारा प्रगटीकरण हो जाता है। जो हम स्थूल शरीर में 24 तत्व देखते हैं, 25वां तो चेतन हो गया, जो 24 हम देखते हैं ये पूरे सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण का विस्तार है। इसको एक पहले देखिए बहुत आसानी से, सत्वगुण जो पालन का कार्य करता है, पालन का कार्य कौन करता है, विष्णु, और ये उनका चित्त रूप अहंकार हुआ। ये विराट की बात हो रही है, विराट पुरुष की। रजोगुण उत्पत्ति का कार्य, ब्रह्मा जी इनके देवता हुए, बुद्धि रूप अहंकार। तमोगुण संहार करते हैं, महेश कहें, शिव कहें, शंकर कहें, कल अपने देखा, मन रूप अहंकार। तो तीन तरह के गुण हुए, सत्गुण रजगुण और तमोगुण। अब देखते हैं सबसे पहले तमोगुण अहंकार से शब्द तन्मात्रा की उत्पत्ति होती है। सबसे पहले इनसे तन्मात्रा की उत्पत्ति हुई, तन्मात्रा से विस्तार हुआ 5 तत्व का, है ना। मतलब ये देखते हैं अपन तीनों गुणों से जो अपन बात करते हैं कि पांच मतलब 5 तत्व हुए, 5 तन्मात्रा हुई, 5 कर्मेंद्री हुई, 5 ज्ञानेंद्री हुई, और 5 4 एक चीज और लेते हैं ना, 4 अपन अंतस्करण, 4 अंतस्करण, इस तरह से 24 तत्व बताते हैं ना शरीर में। तो ये जो विराट का स्थूल शरीर है तो उसके ये 24 तत्व बनते हैं, किससे, सतोगुण रजोगुण और तमोगुण से। तो थोड़ा सा विस्तार बस देखने के लिए अपन देख लेते हैं कि तमोगुण से सबसे पहले तन्मात्रा का विस्तार होता है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। अब शब्द से विस्तार होता है आकाश का, स्पर्श से वायु का, रूप से अग्नि का, रस से जल का और गंध से पृथ्वी का। तो तमोगुण से अपनी तन्मात्राएं भी आ गई और 5 तत्व का विस्तार भी हो गया। अब देखते हैं सतोगुण, सतोगुण से ज्ञानेंद्रियां पैदा होती हैं, 5 और 5 कर्मेंद्रियां, मतलब तो विस्तार होती है। पैदा होना अपन नहीं करें, अपन इसको इस तरह से करें कि उससे विस्तार हुआ। सतोगुण से इंद्रियों का विस्तार हुआ जिसमें 5 ज्ञानेंद्री भी आ गई और 5 कर्मेंद्री भी आ गई। हाँ जी, अभी बताती हूँ ईश्वर किसको कहा है। ईश्वर अभी अपन वर्णन करेंगे स्थूल में, स्थूल में जब अपन स्थूल का विस्तार कर लेंगे उसके बाद अष्टावरण, उसके ऊपर ज्योति स्वरूप जो आते हैं, ज्योति स्वरूप को ईश्वर करके कहा गया है ना। अब ये देखते हैं सतोगुण से इंद्रियों का विस्तार, 5 ज्ञानेंद्रियां, श्रवण, त्वचा, नेत्र, रसना, नासिका। श्रवण से शब्द सुनाई देते हैं, त्वचा स्पर्श का काम करती है, नेत्र रूप देखने का, रसना रस लेने का, नासिका गंध, है ना। अब कर्मेंद्रिया वाक यानी बोलना, पानी यानी लेना देना, पाद यानी आना जाना, उपस्थ यानी मूत्र त्याग और पायु यानी मल त्याग, है ना। तो इस तरह से रजोगुण से इंद्रियों का विस्तार हो गया, जो 5 कर्मेंद्रिया कही और 5 ज्ञानेंद्रिया कही।
उसके बाद पांच तत्व के मिश्रित सतगुण अंश से चार अंतःकरण भी विस्तार हुए, अहंकार चित्त बुद्धि मन। तो हो गया ना 24 तत्व। देखो अपने पंच शुरू से देखते हैं, अपने क्या क्या देखा। सबसे पहले अपन ने देखा पांच तन्मात्राएं, फिर हमने देखे पांच तत्व, 10 ही हो गए। फिर हमने देखे पांच ज्ञानेंद्री और पांच कर्मेंद्री, 20, और चार अंतस्करण, 24। तो अपने जो स्थूल शरीर अपना दिखाई दे रहा है, अपना जो ऊपर से अपना जो ये पूरा आवरण दिखाई दे रहा है, तो भी 24 तत्वों से है। तो इसी तरह से जो विराट का स्थूल है इन 24 तत्वों से है, और इसका विस्तार किससे, तीनों गुणों से, सतोगुण रजोगुण और तमोगुण से। तो इन तीन गुणों से ये पूरा विस्तार होता है विराट का। तो अब देखते हैं जो विराट है, इस विराट में 14 लोक कहे गए, है ना। 14 लोक इसमें बताए गए, अपने पृथ्वी लोक समेत ऊपर के 7 लोक, भूलोक, भुवर लोक, स्वर्ग लोक, महर लोक, जन लोक, तप लोक और सत्य लोक। और 7 लोक पहले बताए गए, अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल, है ना। और इसको 3 भागों में भी अपन ने कल बांटा था कि एक तो हो गया मृत्यु लोक, है ना। मृत्यु लोक के ऊपर के लोग हो गए वो स्वर्ग लोक, और नीचे के हो गए, पाताल लोक, है ना। तो इन तीनों लोकों में सतोगुण रजोगुण तमोगुण, गुण तो तीनों ही होंगे, लेकिन क्या होगा, जो भूलोक है भूलोक में रजोगुण की प्रधानता है। अपन पाताल में आते हैं तो वहां तामसी प्रवृत्ति तमोगुण है। ऊपर के लोगों में आते हैं भूलोक, स्वर्लोक, महालोक, तो इनमें सतोगुण की प्रधानता है। तो इस तरह से अपने इसको त्रिलोक के नाम से भी जाते हैं, कई बार वर्णन आता है ना त्रिलोक, तो इसको त्रिलोक के नाम से भी जाते हैं इन 14 लोकों को। अब अपन ने देखते हैं कि आदि नारायण की चार शरीर है, स्थूल, सूक्ष्म, कारण और महाकारण। तो सबसे पहले अपन स्थूल को देखने का प्रयास कर रहे हैं। स्थूल उनका अहंकार भी हुआ और वो जागृत है। अभी जैसे अपन इस शरीर को देखें तो अपने हाथ भी क्रिया कर रहे हैं, अपन चल भी रहे हैं, बोल भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, तो ये जागृत, मतलब जागृत आत्म की दृष्टि से नहीं, संसार की क्रिया की दृष्टि से जागृत। कि अपना हाथ ऐसे तो अपन देखा जाए तो ये मतलब कुछ नहीं है, लेकिन संसार की दृष्टि से जागृत है, और ये मन का स्वरूप है। तो अपन सबसे पहले स्थूल का विस्तार कर रहे हैं, स्थूल यानी विराट जिसमें 14 लोक आते हैं। अब कल हमने ये भी देखा था कि इस विराट की पुरुष रूप में कल्पना की गई, है ना। अपन ने देखा था कि जो अपना विराट पुरुष का जो पेट है वो हो गया भूलोक, क्योंकि जैसे उदर से ही सर्वांग का पोषण होता है, तो मृत्यु लोक सबसे ज्यादा इसका इंपोर्टेंट पक्ष है। तो मेरे को आज राज्य की मेल देखो, ये सारी शोभा इसका प्रमाण मुझे मिला अपनी वृत्तांत मुक्तावली में। तो उसमें से अपन चौपाइयां लेते हैं, जैसे ये देखा ना अपन ने कल, कल ही देखा ये चीज, एक बार मैं वापस बोल देती हूँ। विराट पुरुष की कमर में हमने देखा अतल, जांघों में वितल, घुटनों में सुतल, पिंडरियों में तलातल, गुल्फा में महातल, गुल्फा यानी एड़ी के ऊपर की गांठ, पैरों में रसातल, पादतल यानी चरण तली जो अपन बोलते हैं उसमें पाताल, कमर से ऊपर भूलोक, नाभि में भोगलोक, हृदय में स्वर्गलोक, छाती में महरलोक, कंठ में जनलोक, होठों में तपलोक और मस्तक में सतलोक, है ना। तो अब इसका वर्णन अपने को ये देखिए, अपनी ये चौपाइया वृत्तांत मुक्तावली की, अंग अंग के लोक को सुनो भेद अब तोन, पायन के तल के विषय हैं पाताल सु जोन। विराट पुरुष के अंग अंग में अलग अलग लोक हैं, उसका भेद सुनिए, उनके पैर के तलवे के नीचे पाताल लोक है ना। फिर मैं अर्थी पढ़ रही हूँ, चौपाइया छोड़ते हैं अपन। पावन के जो पांव के डांडे हैं उसमें महातल है, एड़ी पर रसातल है, पर ध्यान रखिए कि ये सब स्वाप्निक जगत है, मतलब इसमें चेतन आत्मा नहीं है, स्वाप्निक जगत है। विराट पुरुष के दोनों जांघों पर तलातल लोक को जानिए, जांघों के ऊपर सुतल लोक को जानिए, कमर के नीचे वितल लोक का प्रमाण मिलता है। और फिर आगे देखते हैं, कमर के बीच में अतल लोक है, उधर पेट के भाग को जानिए, और कुक्षिण यानी कोख, कल अपन ने देखा था ना जम्बूद्वीप,
जम्बू द्वीप को घेर कर द्वीप आए हैं, सागर आए हैं, तो वो हो गए सात सागर। ये हो गई विराट पुरुष की कोख। पीठ भाग में भूलोक आया, हृदय में हृदय से कान तक, मतलब जो ये जो विराट पुरुष है उसके हृदय से लेके कान तक स्वर्ग सुशोभित है। तो इस तरह से अपने कल वो जो शोभा देखी कि गर्दन में महर लोक है, चेहरे में जन लोक है, माथे पे तप लोक, सिर पे सत्य लोक, तो इसका प्रमाण अपने को वृत्तांत मुक्तावली में भी मिल रहा है। और भी देखते हैं कि जो विराट पुरुष के हाथ हैं वो है इंद्र, क्योंकि इंद्र ही सभी देवताओं के ऊपर अधिशासन करता है, तो इस सृष्टि का संचालन देवताओं के द्वारा। कान के देवता हो गए दिक्पाल, नाक के देवता हो गए अश्वनी कुमार, मुख में अग्निदेव का वास रहता है ना, नेत्र के देवता सूर्य को समझे, जो पलक झपकने खोलने जैसे दिन रात के कार्य करते हैं। तो इस तरह से जो अपन ने कल देखा ना कि विराट पुरुष की कल्पना की गई है और उसके अंग अंग भी ये नाम दिया गया है इन 14 अंगों को, तो इसका प्रमाण अपने को इन वृत्तांत मुक्तावली में मिलता है ना। तो अब ये छपाई वाणी से लेते हैं। हाँ, 1 सेकेंड। सॉरी, ठीक है, थैंक यू, आवाज नहीं आ रही थी, मैंने यहाँ म्यूट कर रखा था, सॉरी। हाँ जी, है ना सुंदर साहब जी, अभी अपन ने जो बात की 14 लोकों की, तो इसकी चपाई में भी अपने को प्रमाण मिलता है कि सात लोक तले जिमी के, मृत लोक है तिन पर, इंद्र रुद्र ब्रह्म बीच में, ऊपर विष्णु वैकुंठ घर, निराकार वैकुंठ पर तिन पर अक्षर ब्रह्म, अक्षरातीत ब्रह्म तिन पर, यूं कहे इसे का इलम, है ना। हिंदू जगत के मूल धर्म ग्रंथ वेद में इस संसार में सात लोक नीचे बताए गए, और इन सात लोकों के ऊपर हमारा मृत्यु लोक हुआ, उसके ऊपर 6 लोक है जिनके बीच में इंद्र रुद्र ब्रह्म जी, ब्रह्मा जी, ये देवताओं के लोक आते हैं, और इन सब के ऊपर 14 लोक की राजधानी सतलोक में भगवान विष्णु का वैकुंठ धाम है। वैकुंठ से परे शून्य निराकार निरंजन पांचवी सरसमष्टि, ये अभी अपन वर्णन करेंगे सरसमष्टि का, आने जाने कही जाने वाली भूमिका है। इनसे परे अविनाशी अक्षर ब्रह्म है, और उससे भी परे अक्षरातीत सच्चिदानंद पार ब्रह्म है। अब कल हमने भूलोक का वर्णन किया था कि विराट पुरुष का जो उदर का भाग है उसमें भूलोक, एक बार अपन देख भी लेते हैं वहां से। ये देखिए, कल हमने भूलोक का वर्णन किया था, इसको भूलोक कहें, मृत्युलोक कहें, जम्बूद्वीप कहें। जम्बूद्वीप में 9 खंड देखे थे, उन 9 खंडों में अपना भारतवर्ष, घेर कर लवण समुद्र पलक्ष द्वीप, एक समुन्दर और एक द्वीप हमने कमश देखे थे, पलक्ष इक्षु समुन्दर, शालमणि द्वीप, सूरज समुन्दर, कुश द्वीप, गृत समुन्दर, पोंच द्वीप, दधि समुन्दर, ऐसे करके घेर कर समुन्दर और द्वीप आए हैं। तो ये जो द्वीप है, ये द्वीप है विराट पुरुष की कोख, और घेर की ये जो लोकालोक पर्वत आया है, ये है विराट पुरुष की रीढ़ की हड्डी। तो कल ये अपन ने शोभा देखी थी, तो इसका थोड़ा सा संक्षिप्त रूप में यहाँ से देखते हैं कि मृत्यु लोक यानी विराट पुरुष का उदर। अब जैसे अपने उदर से अपने सर्वांग का पोषण होता है पूरे शरीर का, तो इसी तरह से मृत्यु लोक को सबसे श्रेष्ठ बताया गया, लोकों में मृत्यु लोक श्रेष्ठ है। मृत्यु लोक में जम्बूद्वीप श्रेष्ठ है, जम्बूद्वीप में भारतवर्ष श्रेष्ठ है, क्योंकि इसके बहुत से कारण बताए गए। 24 अवतार यहाँ पर हुए, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी की, इनकी जो पुरियां हैं वो पर यहीं पर हैं।
श्री देवचंद जी, श्री प्राणनाथ जी के चरण कमल का सुख भी इसी भूमि को प्राप्त हुआ। वेद शास्त्र उपनिषद वो भी यहीं पर है। परा विद्या ब्रह्म ज्ञान भी, श्री मुखवाणी, कुलजम स्वरूप, ब्रह्म तत्व का बोध भी हमको यहीं पर होता है। और कई कोटि मतलब करोड़ कह दिया तीर्थ स्थान भी इसी धरती पर है। कई परमहंस हुए, ऋषि मुनि हुए, उनके चरण भी इस धरती पर पड़े। वस्तुतः अगर इसको एक लाइन में हम समझे कि ये कर्म भूमि है, ये वो भूमि है जहाँ हम प्रयास करके परमात्मा को पा सकते हैं ना। ध्यान साधना से, चितवन से, ब्रह्मवाणी के ज्ञान मंथन से हम परमात्मा को पा सकते हैं। बाकी सब भोग भूमिया हैं। यहाँ पे हमने मृत्यु लोक में जो कर्म किए उसके हिसाब से भोग भूमि, कि अच्छे कर्म किए हैं तो स्वर्ग आदि में चले गए, बुरे कर्म किए हैं तो पाताल में, नरकों में दुख भोगना, तो बाकी सब भोग भूमिया, ये कर्म भूमि है, तो इसलिए इसका सबसे ज्यादा महत्व बताया गया। ये ना, फिर एक ये चपाई भी आती है अपनी कलश हिंदुस्तानी में कि तबक 14 एंड में जिमी जोजन कोट 50, पहाड़ कुली अस्त जोजन लाख 64 वास। कल हमने देखा था ना कि जम्बू खंड, जम्बू द्वीप में 9 खंड, उन 9 खंडों को संतुलन देने के लिए घेर कर 8 पर्वत आए हैं। तो इस मृत्यु लोक में 7 द्वीप, 7 समुद्र अपने देखा घेर कर आए हैं। इनकी मर्यादा बड़े बड़े पर्वतों ने बांधी है। ये पर्वत कौन से हैं जान, एक बार पढ़ लेते हैं। नील, श्वेत, श्रृंगवान, निषद, हेमकूट, हिमालय, हिमालय पर्वत को हम जानते हैं, गंधमादन, माल्यवान। उन्हें 7 द्वीपों में अंतिम पुष्कर द्वीप की चौड़ाई 67 लाख योजन है और यहाँ तक 7ों द्वीपों में पशु प्राणी और मनुष्यों की आबादी है। यहाँ पर कई प्रकार के 84 लाख कहते हैं यहाँ पर मतलब योनिया है कि इतनी इतनी 84 लाख कही जाती है शायद योनिया, इतनी प्रकार की यहाँ योनिया है। और इसके ऊपरी भाग में अंतरिक्ष हुआ जहाँ पे सूरज चांद और ये सब भ्रमण करते हैं। तो ये विस्तार हुआ ना मृत्यु लोक का। अब देखते हैं अपन पाताल लोक। तो पाताल लोक में 2 तरह की मान्यताएं चलती हैं। अपने टीका में स्वामी जी ने कही है कि पादस्य तली यू देशा स पाताल, अर्थात हमसे नीचे का जो स्थल भाग है वह पाताल कहलाएगा। इस दृष्टि से ऑस्ट्रेलिया व अमेरिका आदि पाताल के अंतर्गत माने जाएंगे। तो एक मान्यता तो ये हो गई पादस्य तले यो देशा स पाताल, है ना। और वृत्तांत मुखलावली में, पौराणिक मान्यता नहीं कहेंगे क्योंकि ये अपने वृत्तांत मुखलावली में है, अपने निजानंद संप्रदाय के ग्रंथ में है, तो अपने को वृत्तांत मुखलावली में इसका जो प्रमाण मिलता है उसका वर्णन करते हैं। कहत सप्त पताल पुनी जो जहां बसत विशेष, सात बीवर बूहद लसे तीन अंतर अवदे। तो ये ब्रजभूषण जी की लिखित, जिनके सतगुरु छत्रसाल जी, और छत्रसाल जी ने तो सीधा उनके श्री जी के साथ संग किया। अब पताल के 7 लोकों में विशेष निवास करने वाले जीवों का वर्णन होगा। पृथ्वी के भीतर वो 7 अधोलोक हैं जिनके बीच का अंतर देखे। अब 7 लोग कौन से हैं अपन एक बार पहले नक्शे से कर लेते हैं, फिर इससे विस्तार करेंगे। बस सुंदर साहब जी, पताल तक करेंगे, स्वर्ग लोक का कल करेंगे। अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल, और पाताल के तले शेष शय नारायण का स्थान, है ना। तो अब इसका वर्णन बहुत संक्षिप्त रूप में अपन वृत्तांत मुक्तावली से ही करते हैं, ज्यादा विस्तार इसका नहीं करते क्योंकि इतना ज्यादा इसका काम अपने पास नहीं है। बस एक बार थोड़ा सा अपने को जानकारी होनी चाहिए। 10 10 सहसन प्रति विवर अंतर योजन जानी, दानव दैत्य उरग बसे सह कुटुंब मुख मानी। अब ये जो अपन ने 7 लोक वर्णन किए, ये सब एक दूसरे से, जैसे नीचे से ऊपर देखे तो 10,000 योजन, ऊपर से नीचे देखे तो 10,000 योजन इनका अंतर आया है। और यहाँ पर दानव दैत्य सर्प नाग अपने कुटुंब के साथ बसते हैं। दानव दैत्य ही यहाँ राज्य करते हैं। अगर नागलोक है तो नाग ही वहां के राजा हैं। प्रथम पाताल, महातल, रसातल ही पहचान, नीचे से लेके चल रहे हैं,
तली ऊपर सुतल, बीतल अतल पुनिगान। सबसे नीचे लेते हैं अपन पाताल, पाताल के ऊपर महातल, रसातल, तलातल, फिर सुतल, बीतल और अतल, इस तरह से बताए गए। पवन कुहर मय बली मुहर, बाजी बसत शट माही, बासु कृभत पताल में रहत हर्ष हिय ताई। इन छह अधोलोकों में पवन, कुहर, मय, बली, मोहर, बाजी आदि दैत्य दानव राक्षस रहते हैं, और सातवें पताल में तो वासुकी राज, जो पताल आया सबसे नीचे उसमें वासुकी नाग का राज्य है। एक बार नक्शे से भी देखेंगे अपन। 30 सहस योजन तरी कहो शेष को वास, आकर्षण सबको करत है संकर्षण अभिभास। अब पताल के नीचे 30,000 योजन नीचे अनंत शेष का वास है। वो गर्भोदक समुद्र कहलाता है, उसके अंदर एक बहुत बड़ा पौराणिक जो मतलब कहा जाता है, वर्णन जो आता है अपनी सृष्टि विज्ञान में, जो वर्णन आया है उसमें एक बहुत बड़ा कछुआ है, उस कछुए की पीठ के ऊपर शेषशायी जो नाग है वो कमलाकार आसन में, मतलब वो इस तरह से बैठा है कि उसकी शैया बन गई, उस शैया पर शेषशायी नारायण यानी आदि नारायण के मन के स्वरूप, अहंकार के स्वरूप उसपे शयन कर रही है, और लक्ष्मी उनकी पांच शैया कर रही है। तो वो अभी वो देखते हैं। तो पताल के नीचे 30,000 योजन, पताल के 30,000 योजन नीचे अनंत शेष का वास है, उनका नाम संकर्षण है। वे सबको अपनी ओर संकर्षण यानी सबको अपनी ओर आकर्षित करना, ये संकर्षण बलराम जी को भी कहा जाता है, क्योंकि बलराम ये शेषशायी नारायण के ही तो अवतार थे, बलराम कृष्ण के जो भाई कहे गए, तो उनका नाम संकर्षण भी है, अर्थात जो सबको अपनी तरफ आकर्षित करे। सप्त कहे पाताल जी तहां प्रथम गति तीन, कुद्रु सुतपति उलसत वासुकी नाग प्रवे। ये जो सात अधोलोक कहे जाते हैं इनके नीचे के लोकों में कुद्रु सर्प के पुत्र उल्लास करते हैं और वासुकी नाग की प्रधानता रहती है। तो ये अपन ने विस्तार देखा वृत्तांत मुक्तावली से। अब इसको यहां से अपन देखते हैं। ये देखिए, इन सब में या तो राक्षसों का निवास है या नाग 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 का बताया है, सर्पों का बताया है, लेकिन इनको ना बिल स्वर्ग भी कहते हैं, इनको भूमिवर स्वर्ग भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ स्वर्ग के समान सुख है, स्वर्ग से भी अधिक। जैसे ये जो है अतल बलासुर दानव का लोक, यहाँ पर ये बताते हैं बलासुर दानव इतना चालाक बताया गया इसको कि इसने जो ये अपना ये जो राज्य अपना जो ये लोक है इसमें ऐसी ऐसी सुख सुविधाएं हैं जो पाताल को भी मात देवे। अब जैसे ये पाताल और ये महाताल सर्पों की नगरी बताई, तो यहाँ सर्पों के अनुकूल सभी सुख सुविधा सभी मतलब यहाँ पर सब में स्वर्ग से भी अधिक भोग विलास के साधन है। और ये हुआ गर्भोदक समुद्र में शेषशायी नारायण। ये देखो शेषशायी नारायण जो शेषशायी जो सर्प है वो कमलाकार आसन में विराजमान है, उसके ऊपर शेषशायी नारायण आदि नारायण के मन का स्वरूप वो शयन कर रहा है, और लक्ष्मी जी पास सेवा कर रही हैं। अभी दूसरा नक्शा देखते हैं। ये देखिए इस नक्शे में अपन देखते हैं, यहीं पर इस जगह कुंडों की बात आई है, नरक के कुंडों की बात। अब कहा जाता है कि स्वर्ग नरक सभी इसी पृथ्वी पर है ना, वो बात भी सही है कि स्वर्ग नरक इसी पृथ्वी पर है। अपन ने सुख भोगा तो स्वर्ग है, अगर अपन बीमारी से कुछ कोई पीड़ा भोग रहे हैं तो वो दुख है, वो नरक हो गया। लेकिन अगर जो पापी हैं जिन्होंने पाप किए हैं तो उनके कर्मों का भुगतान के लिए उनको एक यातना देह मिलती है, उनको इन कुंडों में, ऐसा नहीं कि सबको 84 कुंड का ही नरक भोगना है, उसके कर्मों के हिसाब से ये तय होता है कि उसने कितने नरक भोगने हैं। तो ये गर्भोदक समुद्र के इस तरफ यहाँ पर 84 कुंडों का वर्णन आया है, जो भागवत में वर्णित है ना, वो वर्णन या जो वर्णन शायद तीन चार भी परीक्षित नहीं सुन पाया और डर गया था है ना, तो वो वर्णन यहाँ पर आया है। अभी अपन ने देखा पाताल लोक, रसातल, महातल, तलातल, अब ये ऊपर के देखते हैं सुतल, बीतल और अतल। यहाँ पे राजा बलि का आधिपत्य है, राजा बलि का जो वर्णन आता है जिस जहां पर वामन अवतार गए
और तीन पग धरती मांगी तो उसका अधिपति यहाँ पर है। तो इस तरह से ये पाताल लोक का वर्णन हुआ। एक मान्यता ये कहती है कि जो हिमालय के तले में देश स्थित हैं, जैसे अमेरिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया, कि वो पाताल है। और अपने वृत्तांत मुक्तावली में और या अपने जो परमहंसों ने जो वर्णन किया, द्वारदस मां जी ने भी जो वर्णन किया, उसके हिसाब से अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, वर्षातल, पाताल और ये गर्भोदक समुद्र है। तो आपको जैसे उचित लगे, है ना। हाँ जी, एक बार मैं अपना जयकारा बुला के इसको बोलो, श्री प्राणनाथ प्यारी।